मतलब शुद्ध है या नहीं यही जानना था। तुम्हें पता है ये दिन में दो बार नहाती है। और तुम? मैं तो एक ही बार नहाती हूँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मतलब आधे गीले पैरों से दर्शन करना अपशगुन होता है इसलिए। तो अब क्या करेंगे? ए, ऐसी बातें मत माना कर। मत मानिए, मेरे दोस्त ने भी ऐसा ही किया था। 5 साल से शनि भगवान उसके पीछे हैं। एक भी एग्जाम में पास नहीं हुआ, जानती हो? बताओ ना हम क्या करेंगे। हाँ, बस नीचे जाकर पैर धोकर 11 परिक्रमा करेंगी तो शनि बिल्कुल छूट जाएगी। ठीक है, ठीक है। चल। आप नहीं, आप रेस्ट कर लीजिए, आप जाइए जाइए जाइए। आपका नाम? हाँ? लगता है इतनी आसानी से नहीं बताएगी। कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो? कॉलेज भी नहीं बता रही है, अब क्या करूं? आप चेन्नई से हो क्या? हाँ। राजू, ए राजू, पिछले 20 सालों से एक्टर बनने की कोशिश करते करते फाइनली कामवाली बनकर रह गई। सर, इंटरेस्टिंग, लेकिन अभी तक किसी ने मौका क्यों नहीं दिया? शंकर, सर, शंकर तुम एक काम करो। बोलिए सर। इन्होंने कहां कहां काम किया, क्या क्या काम किया और किसने किस मकसद से काम करवाया और मौका क्यों नहीं दिया? इसलिए कि टैलेंट नहीं है या सुंदर नहीं है? क्यों? सर्च करो, सर्च करके एक कहानी बनाओ, डिस्कस करते हैं। ओके सर। ये स्क्रिप्ट्स नहीं आई है, ये मुझे पसंद आई और ये नहीं आई। एक काम करो, जो तुम्हें पसंद आई है उन्हें डस्टबिन में फेंक दो, बाकी यहां रख दो। क्यों मणि, कैसे हो? हेलो सर, बैठिए। क्यों डायरेक्टर, कहानी जैसे बदलने को कहा था वैसे बदली? आप जैसा कह रहे हैं वैसे कहानी नहीं बदल सकते सर, क्योंकि। अरे क्यों नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते? मैं बताता हूँ, तुम लिखो। पैसे लगाने वाला मैं हूँ, तुम्हें क्या? अपनी मर्जी से लिखेंगे तो वो कहानी नहीं बनेगी सर, उसके कुछ एथिक्स हैं। अच्छा, देखो चाहे मेरा प्रॉफिट हो या चाहे मेरा लॉस हो, पैसा मेरा है, आप लिखो। आप कुछ भी कहिए, मैं नहीं लिख सकता। ये इमोशनल लव स्टोरी है। परसों एक्शन का, कल कॉमेडी का, आज आइटम। सर, सभी कहानी लिखने के बाद मूवी बनाते हैं सर, लेकिन आप 2 एक्शन 4 गाने 6 मसाला सीन्स, यही है आपकी कहानी सर। क्या चाहिए वो जनता पे छोड़ दीजिए, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स की मूवीज भी फ्लॉप हो जाती है सर, क्या होगा क्या नहीं उन पर छोड़ दीजिए, वो खुद ही देख लेंगे। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर तो क्या, एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा। तेरी कहानियां है ना, अपने पास ही रख ले, ये ले।
इंसानों से सावधान रहें, वो बहुत खतरनाक होते हैं। कोई भी तुम्हारी तरफ आए मारने में पीछे मत हटना, वो चाहे तुम्हारा भाई हो, दीदी हो, बहन हो, या आखिर में तुम्हारी माँ हो। मारने में पीछे मत हटना, क्योंकि उनके शरीर में तुम्हारा दुश्मन छुपा हुआ है। छोड़ दिया तो तुम्हारा पीछा कर कर के मारेंगे। विषपुरम। किसी को ऑफिस में मत भेजना, खासकर उस काम वाली को। शहर से दूर किसी सुनसान स्थान पर हर हफ्ते उस जगह वो मिलते रहते हैं। वहां दिखने वाला ही हमारा दुश्मन है, उसे मारना ही हमारा काम है। उन लोगों ने इसका नाम फाइट क्लब रखा है। सही है भाई, सुपर यार। ऊपर गर्म धूप, नीचे ठंडी बियर, इससे ज्यादा मजा और कहाँ है यार। हाँ यार, मैं तो बहुत खुश हूँ उसका मुंह तोड़ के। यार तूने सुजीत को मारा था? चुब्बे साले, ये फाइट क्लब है, यहाँ जितने भी अपने हैं दुश्मन समझकर पिछवाड़ा तोड़ना चाहिए। यार वैसे ये आंटी कौन थी? अबे यार, तुझे बहुत बार बताया ना, मेरी गर्लफ्रेंड की माँ है, ससुर नहीं है। सोचा था आसानी से पड़ जाएगी। उसको तो आमिर घर का रिश्ता चाहिए। मुझे लगता है मैं उसका दामाद नहीं बन सकता। हे, तूने पिछली बार भी यही रीजन बताया था, अब तक तेरा गुस्सा कम नहीं हुआ क्या? व्हाटएवर इट इज यार, मुझे ये फाइट क्लब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये डेंजरस लग रहा है। जस्ट इमेजिन यार, चोट कहीं सीरियस जगह लग गई तो मर जाएंगे यार। अरे उसे रोक मत बेवकूफ। जब मरना चाहो ना तो मौत नहीं आती, समझ गए ना? कहाँ जा रहे हो तुम इतना तैयार होकर? बाहर जा रहा हूँ मम्मी। ब्रेकफास्ट करके जाओ। नहीं मम्मी, कॉलेज में दोस्त वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर कुछ खा लेना। ओके मम्मी। सुन, पैसे हैं ना? नहीं मम्मी, 5,000 दो ना मम्मी, जल्दी। मम्मी जल्दी। हाँ आ रही हूँ। आते ही दे दूंगा, चिंता मत करो। पापा का पर्स? आपका जवाब नहीं मम्मी। पापा का एटीएम कार्ड लेकर जा। ओके मम्मी। मम्मी पिन नंबर? पिन नंबर तो मुझे याद नहीं है, पर शायद उनका डेट ऑफ बर्थ होगा। ओके मम्मी। ठीक है। डैडी आपका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे एक बार? क्यों बेटा? गोवा में एक गणेश टेम्पल है, आपके नाम पर अर्चना करूंगा। अच्छा, दक्षिणा तो नहीं दूंगा। ठीक है पापा, बताइए। 1947। ओह थैंक यू डैडी, बाय। ये क्या, ये इतना खुश क्यों है? सुनो, उसे पैसे दिए थे क्या? सुनिए जी, मैंने उसे स्कॉलरशिप के लिए डेबिट कार्ड दिया। स्कॉलरशिप के लिए राशन कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड क्यों दिया? सर ये देखिए। देखो इसे, ये भी देखिए, काफी भारी है। क्यों, ये दबा दूं तो चलेगी क्या? जी सर। मुझे शक हो रहा है भाई, खिलौना लग रहा है शायद। किसी पे चला के देखे क्या? क्या नाम बताया? सत्यनारायण रेड्डी जी। तो तुम अमेरिका से आए हो? हाँ। इस गांव का भला करोगे तो ठीक रहेगा। जी सर। तो फिर मेरा क्या होगा?
अभी तो इसी गांव के है ना सर। अपने गांव के लिए जान दे सकता है, बोल देगा? नहीं दूंगा। बंदूक दिखाने से सच बाहर आ रहा है। तू अपने गांव के लिए अपनी जान नहीं देगा, और मैं पैसों के लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। बुच्ची रेडी भाई से मिलना है। भाई आपसे कोई मिलने आया है। साहब आपने बुलाया? मैंने तुझे इसलिए यहाँ बुलाया, चेक कर कि ये बंदूक चल रही है या फिर नहीं चल रही है। साहब बंदूक देखते ही सारे रूल्स भूल गया, पैसे मिलते ही तुझे रूल्स याद आ गए। सर आपसे मिलने के लिए परमिशन लेने को कहा फिर भी नहीं सुना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऑफिस में खड़े रखकर बात की साले ने, मार दूंगा इसे। मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कहा था ना छोटे अच्छी बंदूक है। जल्दी आना यार। ठीक है जल्दी आ। आप? हाँ उस दिन मंदिर में देखा था। कैसे हो? ठीक नहीं हूँ। हॉस्पिटल ले जाओगे क्या? अरे चिढ़ क्यों रही हैं? फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया। वैसे भी हुआ क्या है? पता नहीं अचानक चलते चलते रुक गई। आप मैकेनिक हो क्या? नहीं आई एम बिजनेसमैन। ओ सॉरी। आपको गलत ना लगे तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। इसे यहाँ छोड़ कर जाऊँ मैं? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए तुमने बीच सड़क पर धोखा दे दिया? क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं है, उसे आपकी गाड़ी दे देंगी तो एक घंटे में ठीक करवा कर आपको लौटा देगा। कोई बात नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, वो आ ही रही है। इतनी धूप में इतना रिस्क क्यों? सोचो जरा। सिस्टर आप जाइए, आपकी बाइक को मैं अपनी बाइक समझूंगा। अपनी समझ के बेच तो नहीं दोगे? नहीं जी, बस एक घंटे में ही ठीक करवा के लौटा दूंगा, आप घर जाइए। इनका भरोसा करूं कि नहीं? ठीक है, मेरी स्कूटी का ध्यान रखना। आप जाइए। हेलो, अब तो मत आ, मैं जा रही हूँ। चल बाय। देखने में नहीं लग रही है, बेच दूंगा तो 20-30 आ जाएंगे। ऑल इंडियन मेडिकल एंड रिसर्च एसोसिएशन वालों ने हमारा फॉर्मूला अप्रूव नहीं किया, दे हैव रिजेक्टेड अस। क्यों सर? सी, हमारा फॉर्मूला रिजेक्ट होने का मुख्य कारण डॉक्टर आदिशंकर आचार्य जी का मानना, उनकी थ्योरी के हिसाब से ये सभी कोकीन जैसे ड्रग्स को इंसान के शरीर में चढ़ाने जैसा है। कैसे सर? हम तो रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। स्पोर्ट्स खेलने वाले इसे लेकर आसानी से जीत सकते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स में भी इसका निषेध किया गया है। इसका मतलब इंसान ज्यादा साल नहीं जी पाएगा है ना सर? एक इंसान ड्रग्स ले ले तो उसे बहुत शक्ति मिलती है, अगर हर रोज इस्तेमाल करे तो उसके दिमाग और नाड़ी व्यवस्था खराब होकर उसके पागल होने का खतरा है। सर कुछ दिन और ट्राई करते हैं सर, अभी जिन्हें मना किया है वही कल बुला के हाँ कहेंगे सर। वो मौका भी नहीं है, हमारे फॉर्मूला को एक खतरनाक ड्रग्स का नाम देकर उस पर हो रहे प्रयोग पूरी तरह रोकने का नोटिस भी भेजा है। अब क्या करें सर? 30 साल की मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई, उनकी बात भी सही है, ये बहुत खतरनाक है। हमने आज तक जो कुछ जितने भी प्रयोग किया उससे हमने बहुत लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ये सक्सेस हो गया तो इंसान 200 साल तक तो जी ही सकता है ना सर? नो, एक फॉर्मूला की सक्सेस के लिए इतने लोगों को मारना ठीक नहीं है। अब ये अनुसंधान को हमेशा के लिए रोकने की सोच रहा हूँ। सो जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, वी विल डिस्कस आवर प्लान्स इन द नेक्स्ट मंथ।
सर चाय पियेंगे ना सर? अभी कहा था ना, अंदर किसने भेजा तुम्हें? हाँ जाओ। चलाऊ ना सर? कितनी बार कहूँ नहीं चाहिए, जाओ गेट लॉस्ट। ए, क्या कर रही हो? ए, 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 शंकर गोपाल, अरे कहाँ मर गए तुम लोग? इधर आओ गोपाल। ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है, पुलिस को बताओ। सर ये सब सच नहीं था सर, ये तो एक्टिंग थी सर। अच्छा एक्टिंग है, एक्टिंग है। अच्छी लगी ना सर? पागलपन है, एक्टिंग नहीं है, पागलपन है, मेंटल। हे, इसे यहाँ से लेकर जाओ, देख कर डर लग रहा है इसे मुझे तो। सर 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 एक्टिंग कर रही थी, एक्टिंग एक्टिंग है। दोबारा किसी को अंदर भेजा तो उसकी नहीं तेरी जान ले लूंगा। हाय। मेरी स्कूटी कहाँ है? कैसी हो? मेरी स्कूटी कहाँ है? हे, ड्रेस बहुत अच्छी है। मैंने पूछा मेरी स्कूटी कहाँ है? जैसी मंदिर में आती हो तुम? मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? कहाँ है मेरी स्कूटी? ये है ना तुम्हारी बाइक। मजाक कर रहे हो क्या? मेरी स्कूटी है। देखो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, जरा दिल पर हाथ रखकर सुनना। तुम्हारी बाइक है ना, मेरा दोस्त एक चोर है, तुम्हारी एक्टिवा ले जाकर उसे टुकड़े टुकड़े करके उसकी सारी स्पेयर पार्ट्स बेच दिया। और क्या वो... कहा? तुम्हारे कहने पर ही उसे दी थी मैंने। सही है, लेकिन हम अभी उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस स्टेशन उसका मामा का घर है, इसलिए कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं। गुंडों से कहकर पिटवाने की सोचे तो वही बड़ा गुंडा है, सिर्फ पैसे ही वेस्ट होंगे, समझ रही हो ना? इसलिए तुम ये बाइक रख लो अच्छा रहेगा। अच्छा इतना सब सोच लिया, ठीक है अब क्या करना है? करना कुछ नहीं है, आज ये बाइक तुम्हारी है, दिस बाइक इज योर्स, अब इसे चलाकर तुम चली जाओ और मैं चला जाता हूँ। तुम पागल पागल हो क्या? मैं ये कैसे चला पाऊंगी? देखो मेरे पास तो सिर्फ यही बाइक है, और तुम डराओ या धमकाओ नई बाइक दिलाने के लिए मेरे पास बजट नहीं है, इस बाइक का इस्तेमाल करना है तो कर लो। देखो जब तक मेरी स्कूटी नहीं आ जाती तब तक मुझे जहाँ भी जाना हो तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन ये मैं कॉलेज टाइमिंग्स बता दूंगी, तुम आ जाना। ये कैसे हो सकता है, मुझे काम नहीं है क्या? दैट्स इट। ए हेलो हेलो, कौन है भाई ये? ए बुच्चा रेडी, लोग तेरे पास ही नहीं मेरे पास भी हैं। इन्हें देखकर पतलून ढीली हुई? सांबा गलती कर रहे हो, उस दिन अकेले को देखकर मेरी जमीन छीन ली थी, कहा था चाकू से गले तक दस्तखत करोगे, मैं अंगूठा छाप हूँ, तुझे चाकू से काट दूंगा। इतनी बातें क्यों भाई, देर मत करो भाई। हम पेपर लेने आए हैं, उसे क्यों मार रहे हो? लोग मेरे पास भी हैं। छोटे क्या रे, जान चाहिए कि पेपर चाहिए? वो तो समय बताएगा।
सालों आज तो तुम लोग गए, आ जाओ। सांभा, चार लोगों से सिर्फ ताकत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, खौफ नहीं। खौफ बढ़ाने के लिए इसके जैसा एक भाई होना चाहिए। वाह, मच्छी बहुत अच्छी बनी है भाई। क्यों सांबा, मच्छी खाओगे? हेलो, कहाँ हो तुम? टाइम हो रहा है, कितनी देर हो गई? जल्दी आओ। हाँ, और फोन नहीं उठाओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? तुम्हारी खटारा गाड़ी के लिए इसे मार दोगे क्या? क्या कहा? उसको 102 डिग्री बुखार है। अच्छा, ये एक पागल, वो एक पागल है। जल्दी चल, टाइम हो गया है। चलना, टाइम हो गया है, मूवी के लिए देर हो जाएगी, वो लोग वेट कर रहे होंगे। मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ है तुझे? चैतू की तबीयत बहुत खराब है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे क्या करना? वैसे भी उस पर दया क्यों आ रही है तुझे? हमारी बाइक बेच दी उस इडियट ने। उसने नहीं बेची यार। उसकी बड़ी तरफदारी कर रही है तू। कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे? हाँ हाँ, ठीक है, अभी आ रही है या नहीं? मैं नहीं आऊंगी यार, तू जा। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। हेलो चैतू, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने नई स्कूटी खरीद ली है। ठीक है ठीक है, हॉस्पिटल गए हो क्या? क्या कहा डॉक्टर ने? तुमने कॉल नहीं किया तो मैं कितनी परेशान हो गई थी। नमस्ते सर। आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। ये हैदराबाद पंजा गुट्टा के एसआई हैं। आपके भाई की बेटी को हैदराबाद के किसी फंक्शन में इन्होंने देखा था। अच्छा, तो आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद आई। लड़की गोरी है इसीलिए आए हो शायद। हमारे साथ रिश्ता बनाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। आपके धंधे और कब्जों के बारे में हम सब जानते हैं, हमसे कुछ छुपा नहीं है। हम भी तो तुम्हारी जात वाले ही हैं। ठीक है, उससे भी एक बार पूछ लेते हैं। लड़की से पूछने पर वो तैयार नहीं है। तुम्हारी बातें मैंने सुनी, मेरी बेटी को पसंद करते हो तुम, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। तुम्हारे बात करने का तरीका भी मुझे अच्छा लगा। अगर हम दोनों मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। एक बार अपने घर के बड़ों को भी बुला लो, लेन देन की बात तय हो जाए, फिर उसके बाद शादी कर लेंगे। अभी 50 लाख दे रहा हूँ, शादी के बाद और 50 लाख दूंगा। दहेज में सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, काफी है। शहर में हमारी बेटी को किसी से प्यार हुआ है, आज ही जाकर उसे मार देते हैं। आप क्राइम कीजिए, केस का ध्यान मैं रख लूंगा। ओल्ड एज होम यहाँ क्यों लेकर आई हो? यहाँ मेरे अपने और बहुत खास लोग रहते हैं। तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम्हें मेरे घर वालों से मिलना है, यहीं रहते हैं वो।
देखो साल में तो एक ही बार आता है बर्थडे, और तुम ऐसा करोगी, किसी पार्क या थिएटर लेके जाना चाहिए, लेकिन ओल्ड एज होम क्यों? हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए, पार्क में कभी भी जा सकते हैं, आज यहाँ चलते हैं। ठीक है मेरी माँ, तुम्हें और तुम्हारी क्लास को प्रणाम, चलो चलते हैं। साल में ये एक दिन मैं बहुत खुश रहती हूँ। इतना स्पेशल क्या है? मेरी माँ को आज का दिन बहुत पसंद था, क्योंकि आज के दिन मेरा जन्म हुआ था। बहुत मिस कर रही हूँ अपनी माँ को। हर साल यहाँ आकर इनके साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो माँ की याद आती है। मेरी माँ की डेथ के बाद सब कुछ मेरे दोनों चाचाओं ने देखा। मुझे लगता है कि मेरे चाचा हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे चाचा बहुत डेंजरस हैं। सर, कैसे हैं सर? आई एम वेरी फाइन। आज बहुत दिनों के बाद याद किया, कोई विशेष बात सर? हाँ नारायण, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ आदमी चाहिए। ठीक है सर, भेज देंगे। रिस्क की बात यह है कि अगर वो फेल हो गया तो इंसान मर भी सकता है। मार देंगे सर, लेकिन थोड़ा मेरा भी ध्यान रखिएगा। मैं हर एक इंसान के लिए 1,00,000 रुपए दूंगा, बट ये सीक्रेट होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब देख लूंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अरे कौन है ये लड़की, नहीं दिख रही है, ट्राई करते हैं। ये क्या है? आई लव यू जी। मुझे लगा था ये सबसे फिल्मों में होता है, सच में होता है ये, आज पता चला। हाँ जी। ठीक है, जरा वहाँ देखो। कौन है ये? मुझसे भी हैंडसम है। तुमसे मिलने ही आ रहा है। कौन है ये? अच्छा ही तो है, आइसक्रीम येलो डार्लिंग। ये सब क्या पहना है? टोपी, चश्मा, क्या तमाशा लगा रखा है। अरे ए, देख तुम माने या ना माने, यहाँ इडियट तो मैं ही हूँ यार। इतना आसान नहीं है लड़कियों को पटाना, कुछ नया ट्राई कर, जा जा। कोई आइडिया है तो बताइए बॉस, ट्राई करूंगा। क्या इसे पटाने के लिए? एक काम कर, हम दोनों के अलग होने के बाद देख लेना, ठीक है? जा अभी जा, जा जा अभी जा। भैया मेरा ताजमहल। ए, आगरा के ताजमहल से उसके हाथों का ताजमहल ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। डार्लिंग एक बार कैप लगा लो। क्यों रे, आजकल तो तेरी फॉलोइंग बढ़ गई है। हाँ वैसे हनीमून के लिए कहाँ जाए, दुबई या पेरिस? मेरे चाचा। मेरे चाचा। यार ए, तेरी इतनी हिम्मत, घर की लड़की उठाता है? अरे बात सुनिए प्लीज। अंकल, हमारी बच्ची से प्यार। प्लीज चाचा जी, प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए चाचा जी। चलो अंदर। दोबारा प्यार का नाम लिया तो उसे और तुझे दोनों को मार दूंगा। ए छोटी, 2 दिन में शादी की तैयारी करो। वो यहाँ जरूर आएगा भाई, उसके आने से पहले शादी हो जानी चाहिए। वो यहाँ आएगा तो लौट कर नहीं जाएगा भाई, उसकी मौत देखकर यमराज भी काम जाएगा। ए छोटे, मुसीबत वो नहीं है, इसकी शादी है। अगर हमने शादी में देरी की ना तो उस एसआई को पता चल जाएगा, वो शादी रोक देगा, जो पैसा दे रहा है वो भी नहीं देगा। सुबह होने से पहले शादी कर देंगे भाई। साइंटिस्ट अपना प्रयोग एक बहुत ही छोटे से गांव में शुरू करता है, उसके प्रयोग की वजह से कई लोगों की मौतें हुई, चाहे कितनी भी जाने चली जाएं, वो अपना प्रयोग नहीं रोकता।
कंटिन्यू करता है। क्या हुआ है भाई? सुबह से पेट में दर्द हो रहा है सर, चक्कर आ रहे हैं, पेट में गड़बड़ हो रही है सर, कुछ भी करके हमको ठीक कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, एक इंजेक्शन दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। डेड बॉडी को बाहर फेंक दो। क्या हुआ डॉक्टर, एक भी पेशेंट नहीं भेज रहे हैं आप? क्या सर, हर पेशेंट को तो आप ऊपर भेज दे रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। ऐसा रहा तो मेरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो दुनिया हमारे पीछे आएगी, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं नारायण। सोच लो एक बार। मुझे करोड़ों नहीं चाहिए सर, 50 लाख दे दीजिए, मैं खुद ही आ जाऊंगा सर। 50 लाख नहीं, 80 लाख रुपए दूंगा। मुझे डर लग रहा है सर। कोई बात नहीं नारायण, परेशान मत हो। चीफ, मुझे लगा तुम मेरे प्रोजेक्ट के लिए परमिशन नहीं दोगे तो छोड़ दूंगा। सक्सेस हो गया। किया है भाई, एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, दिल के बिना इंसान जी सकता है यह साबित कर दिया है। जल्द ही इस सच को दुनिया के सामने लेकर आऊंगा, मैं क्या कर सकता हूं यह दिखा दूंगा। क्या हुआ यार, सुबह से लेटा है, किसने मारा यार? हर किसी को छेड़ देता है, अब किसी को भी छेड़ेगा तो ऐसा ही होगा ना। कोई भी आता है तुझे मार के चला जाता है और तुम आकर यहां रोते रहते हो। जान से ज्यादा किसी को प्यार करेगा तब समझ आएगा। क्या हुआ रे, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो हमें सूट नहीं करती यार।
चैतू का श्लोका के लिए दुखी होना दोस्तों से देखा नहीं गया। सारे दोस्त मिलकर चैतू की हिम्मत बढ़ाते हैं। सब मिलकर श्लोका की शादी रोकने के लिए उसके गांव पहुंच जाते हैं। क्या यार, कैसी आवाज थी वो? कार के नीचे शायद कोई आया था यार। इतनी आवाज आई है मतलब जरूर कोई जंगली सुअर होगा। अरे गाड़ी साइड में रोकना, सुसु करना है। ऐसे चलेंगे तो शादी रोकना मुश्किल हो जाएगा। यार इस गाड़ी में जाएंगे तो श्लोका की शादी रोकना बहुत मुश्किल है। यार वो मेरे दादा की गाड़ी है, उसे कुछ मत कहो। तेरे दादा की गाड़ी है ना, इसलिए खटारा कहा था। ये रही खटारा। करोड़ों लगाकर भी ये खुशी नहीं पा सकते यार। ए रुक, मैं आ रहा हूं। ये क्या यार, आधी रात में लोग सड़कों पे घूम रहे हैं? अरे चैतू, शायद तेरे ससुर ने आदमियों को भेजा है। सुन, चल हथियार लेके आते हैं। तुम भी हथियार ले लो, तुम लोग भी चलो। तुम सबको मारेगा।
साला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मार दूँगा तुमको, तुम छोड़, ऐसे आए हैं सालों तुम लोग, अब तुम लोग रुको, अब मैं भागता हूँ। अरे भागो, अरे तुम भागो, छोड़ छोड़, अरे छोड़, अरे सुजीत गाड़ी में बैठ, सुजीत गाड़ी में बैठ, जल्दी कर, चैतू और सुजीत दोनों ओमनी लेकर भाग जाते हैं और उनके साथ के विकी और गिरी दोनों अलग अलग तरफ जंगल में भाग जाते हैं। क्या चैतू श्लोका की शादी को रोक पाया? इन पर हमला करने वाले आखिर कौन थे? वो इंसान थे या फिर कोई और? बाद में क्या हुआ, पूरी कहानी जानने के लिए आपको मुझे फ़ोन करना होगा। मुझे फ़ोन करने के लिए मेरा नंबर लिखा हुआ है। गोपाल को भेजो। सर आपने बुलाया? स्क्रिप्ट पढ़ी तुमने? पूरी नहीं पढ़ी सर, शायद राइटर बहुत घमंडी है सर, पूरी तरह पढ़ने के लिए कॉल करने को कहा है इसलिए बाजू में रख दिया सर। एक तो वैसे तुम्हें लिखना नहीं आता है, कम से कम लिखने वाले को अप्रिशिएट करना तो सीखो। इस राइटर को फोन करो, कहां है पता लगाकर मुझे बताओ। ओके सर। हेलो सर, आप राइटर हैं? हाँ जी, कौन? आपको हमारे डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, क्या आप ऑफिस आ सकते हैं? तुम्हारा ऑफिस है या पोस्ट ऑफिस है? पोस्ट ऑफिस नहीं है जी, डायरेक्टर मनी सर के ऑफिस। अच्छा, मैं यहाँ एक की हत्या कर रहा हूँ, उसके बाद ही आऊंगा। गोपाल ए सर, क्या हुआ? बीजी बता रहा है सर। हाँ? कह रहे नहीं आ सकते। एड्रेस पूछ लो, हम ही चलते हैं। ठीक है सर। सर आप एड्रेस बताएंगे? हाँ ठीक है। इसमें कुछ मिलाया है? नहीं सर। तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, ये गेटअप तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। गाड़ी निकालो, चलते हैं, जल्दी करो। सर सर वो तो कोई हत्या कर रहे हैं सर, उन्होंने कहा उसके बाद कॉल करेंगे, ऐसी स्टोरीज में हमें क्या लेना देना। गाड़ी निकालो। आपका नाम? मेरा नाम फिलहाल कोई नाम नहीं है, आप मौका देंगे तो बन जाएगा। राइटर साहब सीधे मुद्दे पर आते हैं, वो चार लड़के कहाँ गए आखिर? उन पर हमला करने वाले कौन थे? श्लोका के फादर ने भेजा था या फिर दूल्हा उसी एसआई ने भेजा था?
वैसे बीच में ये साइंटिस्ट कौन है? जैसा आप सोच रहे हैं ये लव स्टोरी नहीं है सर, हॉरर, ज़ॉम्बी हॉरर। व्हाट? ज़ॉम्बी हॉरर? उन पर इंसानों ने हमला नहीं किया था, उन पर हमला किया था ज़ॉम्बीज ने। ज़ॉम्बीज मतलब? वो जिंदा लाशें हैं, उनकी मौत नहीं हुई है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके हैं। मरने के बाद लौट कर आते हैं? नया है, इंटरेस्टिंग। नहीं सर, ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट को हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी सर, इसलिए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं सर। लेकिन अभी तक किसी ने हिंदी में नहीं बनाई है ना, ये एक ही पॉइंट काफी है फिल्म बनाने के लिए। इस ज़ॉम्बीज के कॉन्सेप्ट को हॉलीवुड के राइटर्स ने बहुत लिखा है। तुम जाकर गोपाल, हमारे लोग ज़ॉम्बीज के बारे में कितना जानते हैं ओपिनियन वीडियो शूट करो, देखते हैं। ओके सर। राइटर साहब, इस कहानी में अचानक ज़ॉम्बीज कहां से आ गए? हमारी फिल्म के फर्स्ट हाफ में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। साइंटिस्ट पैसों के लिए उस गांव का डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान जाता है, लेकिन इस बार फॉर्मूला के ओवरडोज की वजह से और नसों के दबाव की वजह से वो एक क्रूर ज़ॉम्बी बन जाता है। एक बार इंसान ज़ॉम्बी बन जाए तो उनके सामने जो भी आता है उन पर अटैक करके उनको भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। एक के बाद एक ज़ॉम्बीज बनकर पूरा का पूरा गांव भयंकर शमशान में बदल जाता है। हेलो सर। शंकर कहाँ हो? सर हमारे प्रोग्राम का प्रोमो शूट कर रहा हूँ सर। कॉन्सेप्ट क्या है? सर कॉन्सेप्ट यह है कि हमारी न्यूज रीडिंग, डिस्कशन, चार्ट भंडार या बीच के पास करेंगे तो कैसा रहेगा सर? ठीक है, तुम और तुम्हारे बेकार के आइडियाज। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है, तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज बताना है। क्या है सर? फोर न्यूज हमारे चैनल का इतिहास बदल देगी। अच्छा। करीमनगर जिला पुलीवाला गांव में एक अजीब वायरस की वजह से लोगों की मौत हो रही है, अभी तक तो कोई नहीं जानता, पहले हमें ही पता चला है। हमारे एजेंट ने वहां से कुछ फोटोज भेजी है। इट्स शॉकिंग यू नो। ठीक है सर, एजेंट है, कैमरामैन भेजना है ना सर, भेज दूंगा। नहीं शंकर, फोटोज भेजने के बाद उनके हमले में एजेंट की मौत हो गई। मतलब अगर वो हम पे हमला कर देंगे तो सर? क्या शंकर, 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में हमने ऐसे कितने नहीं देखे। कम ऑन डू इट। सर इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है सर, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। शंकर ये न्यूज प्रमोट करेंगे तो हमारा चैनल मार्केट में नंबर 1 पे आ जाएगा, एट द सेम टाइम तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी। ये नहीं मानेगा। कल अर्ली मॉर्निंग तुम्हें वहाँ निकलना होगा, ट्रेलर्स कट करवा दूंगा, शाम तक वीडियो चलेगा। ठीक है सर। सीक्रेट पिता वाचेस। धत तेरी, शायद वहां कोई है। भाई भाई भाई, माचिस है? ए भाई, ए ए, लगता है साले ने कुछ गलत काम किया होगा इसलिए बांध कर मार दिया है। ए बे भाई, ओ! Huh?
क्या हुआ यार? पेट्रोल खत्म हो गया। यार यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नजर नहीं आ रहा है। पेट्रोल पंप की तो दूर की बात है, यहाँ कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। ए, वो देख गाड़ी, चल देखते हैं। क्या हुआ यार? यार किसी की लाश पड़ी है। ये तो सुन, कुछ भी करके यहां से चला जा। वैसे भी गिरी और विकी पता नहीं कहां चले गए। कैसे चला जाऊं यार? जब तक तेरा प्यार तुझे नहीं मिल जाता मैं तेरे साथ ही रहूंगा। पहले पेट्रोल के बारे में सोच। डिक्की में कुछ होगा, जाके चाबी लेके आ। निकालो उसे। ये सब कौन है यार, और ऐसे क्यों है? मुझे क्या पता यार। चल भाग के यहां से, जल्दी कर। सुजीत बैठ जा, अंदर जा, अंदर जा। मम्मी, किशन ठीक है ना? तू वहां का माहौल अच्छा है ना? धूप में ज्यादा मत घूमना और वक्त पर अपना खाना भी खा लेना। कौन है? किशन है? हाँ जी वही है। ले अपने पापा से बात कर। पापा, क्या हुआ पापा? अभी तू कहाँ है बेटा, सब ठीक है ना? उठो पापा, उठो। समय पर खाना खा रहा है ना? खाना अच्छा था ना? पापा, पापा उठो। पैसे की चिंता मत करना, कम पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं भेज दूंगा। दादू, मुझसे नहीं होगा यार। गिरी, चेतू, वहां कोई गांव दिख रहा है, मतलब चेतू और सुजीत यहीं गए हैं। श्लोका का गांव यही है शायद। रमेश इस तरफ आना। जंगल तो बहुत खतरनाक लग रहा है यार, ध्यान से आना। और कितना दूर है यार? सर चलिए देखते हैं, यही होगा सर। हम्म,
वो देखो, एक इंसान दूसरे इंसान को नोच के खा रहा है। उनके चेहरे क्लोजर पे देखिए सर, दिखाना। ये काफी है, हमारे चैनल की किस्मत बदल जाएगी। ये क्या कर रहा है यार, ये इंसान है या राक्षस? जूम कर जूम कर। पब्लिक ऐसी चीज देखकर चैनल भी नहीं बदलेगी। सर वो हमारी तरफ ही आ रहा है सर, चले चलते हैं। चल चल भाग भाग भाग, निकल यहां से। ये सब क्या है यार, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। को देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ की स्थिति देख के लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। यार पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर कहीं बैठकर रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स क्या यार, गांव को देख रहा है ना, शमशान बना हुआ है, यहां कुछ भी हो सकता है। हम ध्यान से नहीं रहे तो हम भी मर जाएंगे, समझ गया ना तू? चल निकलते हैं। जल्दी निकल रहा है, भाग 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 भाग, इस तरफ इस तरफ। आजा आजा आजा।
ये घर तो श्लोका का है ना? अरे हाँ यार, उसने इसी बालकनी से फोटो खींच के एफबी पे पोस्ट की थी है? ए, घर के चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं। ऊपर कैसे जाया जाए यार? श्लोका घर में तो होगी ना? लगता है अंदर ही होगी। कैसे जाएंगे यार? यहां से ट्राई करते हैं। पहले मैं जाता हूं। हाँ चल, उससे मिलना ही होगा हमें। हे, ध्यान से। हाँ ध्यान से, संभाल के जरा हाथ दे अपना। हाँ संभाल के। इन सबको क्या हुआ है? प्रमोशन के लिए जान खतरे में डाल दी है हमारी। सर, यहां से कोई आवाज आ रही है। चल चल के देखते हैं। सुनिए, कौन है दरवाजे पर? आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर, बूढ़ों पर भी बेरहमी से अटैक किए जा रहे हैं सर। हमें जाकर सब बचाना चाहिए सर। हाँ, हम तो उन्हें बचाएंगे, लेकिन हमें कौन बचाएगा? नहीं सर, उन्हें मरते हुए शूट करके दिखाने के बजाय उन्हें बचाते हुए शूट करेंगे तो हमारे चैनल का नाम होगा सर। आइडिया तो अच्छा है। तू शूट करेगा तो मैं जाकर बचाऊंगा, मुझसे नहीं होगा ये। नहीं सर, आप शूट कीजिए, मैं जाकर बचाता हूँ। ठीक है, ला मुझे दे। रमेश, क्यों मुसीबत पाल रहा है यार? वो लोग बहुत खतरनाक है, मेरी बात सुन, मत जा। बस कीजिए सर। दादा दादा दादा, दरवाजा खोलिए दादा। नहीं नहीं खोलूंगा, नहीं नहीं खोलूंगा। दादा हम बचाने आए हैं। दादा दादा जल्दी, दादा दादा दरवाजा खोलिए। दादा जल्दी करिए दादा। सुनिए दादा, दरवाजा जल्दी बंद कीजिए। कौन है? सुनिए कौन है ये लोग? दादा आराम से बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ आपको? आराम से। अरे क्या हो गया है आपको? कौन है ये लोग? क्या हुआ आपको? सुनिए, अरे क्या हो गया है आपको? ये आप क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? छोड़िए, छोड़िए। जल्दी सर, आइए बचाइए सर। ऐसी जिंदगी जी के हमें उनके ही हाथों मरना है।
भाई जहां तक मैं जानता हूं इस गांव में हमारे सिवा कोई जिंदा नहीं बचा है। ये कैसी आवाज है भाई? शायद ज़ॉम्बी आए हैं। जल्दी आओ, शायद ऊपर से भी आए हैं। तैयार रहो भाई, दरवाजा खोलते ही मार दो। चैतू, ए, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? ए, पागल हो गया है क्या? तेरी तो मरी तो हूँ। कौन? तूने मेरे दोस्त को मारा? ए, रुक जाओ। कौन कहाँ से आके मारेगा? ये सोचकर मर रहे हैं। अब बदला नहीं, जान जरूरी है। हमें यहाँ से बाहर निकलने में इनकी मदद लेनी होगी। अब ये बात अपने दिमाग में डाल ले। इनके हाथों से मरने से अच्छा मैं इन्हें मार कर मर जाऊँ। जब तू जिंदा रहेगा तब हमें मारेगा ना? क्यों बे, बहुत बातें कर रहा है तू? तो मैं रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? उन्हें इंसान दिख गए तो वो नोच के खा जाएंगे। पे कोई है दादू? एक बार जाकर देखो। ए, उठ। कौन हो तुम? सर ये रहा कॉन्सेप्ट। उस गांव में भीम, किशन, विकी। एक मिनट। हेलो सर, हमारी स्टोरी में इंसानों को खाने वाले को क्या कहते हैं सर? ज़ॉम्बीज। क्या नाम बोले सर? ज़ॉम्बीज। क्या सर? जंबो, ट्रैफिक बहु आवाज नहीं आ रही है सर, क्या बोल रहे हैं सर? अरे यार उनका नाम है ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज? हाँ। ओके सर। राइटर साहब ये सब श्लोका के लिए गए, लेकिन श्लोका के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी शादी हो गई या वो भी ज़ॉम्बीज बन गई? श्लोका गांव से भाग जाती है। उस दिन शादी के मंडप में ज़ॉम्बीज जाकर सबको मार देते हैं। अपना दूल्हा एसआई श्लोका को लेकर शहर की तरफ भाग जाता है। उतरो, मैंने कहा ना उतरो। तुम और शादी कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार मर गया है। अपना खुद ध्यान रख लो, जाओ। क्या हुआ श्लोका, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? थोड़ा पानी देना। ठीक है, ये लो। क्या बात है? मेरे चाचा जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते थे, पर शादी वाले दिन किसी जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड लोगों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। गांव के सारे लोग मर गए। मैं जैसे तैसे बचाई वहां से। उस दूल्हे ने बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया। बहुत दूर से पैदल चलकर आई हूँ।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। फिर तेरी याद आई तो यहाँ आ गई। चैतू आया था ना? चैतू आया था? कब आया? ये क्या, तू तो चैतू से नहीं मिली? नहीं, उस गांव में तो वायरस फैल गया है, मुझे डर है कि कहीं चैतू को कुछ हो ना जाए। श्री रेड्डी, बुच्ची रेड्डी, माधव रेड्डी, उन जॉम्बी से बचकर वो अपने घर भाग जाते हैं। ओ, मतलब एक रात में पूरी कहानी बदल गई। कहानी देखी जाए तो श्लोका से शादी करके उसके गांव का दामाद बनने वाला नवदीप उसकी शादी को रोककर उसके परिवार को बर्बाद करने वाले ज़ॉम्बीज़ से बदला लेने के लिए उस गांव में स्पेशल ऑर्डर्स पर एसआई बनकर आता है। ये क्या है 116? सर, हमारे सीआई साहब ने क्या कहा एक बार बोलो। कुछ नहीं सर, इस गांव में लोगों को एक अजीब बीमारी हुई थी, कुछ लोग पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को काट काट कर मार दिया सर। अभी वहां लोग हैं या नहीं पता नहीं, कितने लोग हैं ये रिपोर्ट लेकर 15 दिनों में देने को कहा है सर। ये नहीं, मेरे बाहर आने के बाद स्पेशली तुमसे क्या कहा था वो बताओ। वो एसआई को कुछ याद नहीं रहता, आपको याद दिलाने के लिए कहा था सर। इस गांव के बारे में मुझे बताएगा? मैंने बोला था ना मेरी शादी टूट गई है, वो यही हुआ था। मंगलसूत्र पहनाते वक्त पंडित जी के साथ सबको काटकर मार दिया, कोई भी नहीं बचा। तो फिर आप कैसे बच गए सर? खुशकिस्मती से मेरे पास गन थी, इसलिए मैं और मेरी बीवी बच गए, वरना हम भी मारे जाते। मतलब शादी में आप लोगों की मौत हो गई सर? वो किसी को भी नहीं छोड़ते, जो भी मिलता है उसको मार के ज़ॉम्बी बना देते हैं। लगता है शायद गाड़ी गर्म हो गई। ठीक है, कितनी देर लगेगी? मुझे लगता है अभी स्टार्ट नहीं होगी। अब क्या करें? जीप छोड़कर पैदल चलना ही हम लोगों के लिए सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बी जीप की आवाज सुनकर हम पर हमला करेंगे। हम गाड़ी को छोड़ के 3 किलोमीटर पैदल चले तो हम लोग रोड पर पहुंच सकते हैं। और कितनी दूर है? मुझसे चला नहीं जा रहा यार। दादा, ये जगह सही लग रही है, आज रात को यहीं रुकते हैं, फिर सुबह चलते हैं। क्या रात भर यहीं रहेंगे हम लोग? छोटे, दामाद जी को फोन लगा। फोन कहाँ है भाई? शायद बाहर ही गिर गया होगा। बाहर गिरा है? रवि, जाके ढूंढ के लेके आ। भाई बाहर ज़ॉम्बी। लड्डू, ए लड्डू, ए लड्डू, ए पागल है तू? यहां क्या कर रहा है? लेकिन ये सब ऐसे क्यों बन गए? अच्छे खासे हॉस्पिटल को भूतों का मेला बना दिया उस डॉक्टर ने। इंसान को 2 साल जिंदा रखूंगा कहकर इंसानों को ही गायब कर दिया उस डॉक्टर ने। सब लोग ज़ॉम्बीज़ ज़ॉम्बीज़ कहते हैं, ये ज़ॉम्बीज़ मतलब है क्या? ज़ॉम्बी मतलब जिंदा लाशें हैं, उनका दिल काम नहीं करता, सिर्फ काटना जानते हैं। दिल रुक जाए तो आदमी मर जाता है, तो दिल काम नहीं करने वाले को कैसे मारेंगे? वो ब्रेन से काम करते हैं, इसलिए ब्रेन को रोकना चाहिए। क्या गवर्नमेंट ये सब नहीं जानती? ये गांव जंगल से घिरा है, इसलिए यहाँ बस भी नहीं आ सकती। इसे कवर करने के लिए आने वाली मीडिया भी ज़ॉम्बीज़ बन गए। ऐसी बातें गवर्नमेंट को पता हो फिर भी
ये हमेशा लोगों से छुपा कर रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? यहाँ से हम लोगों को बाहर जाने के लिए या तो मरना होगा या तो फिर भागना होगा। चेतू, सुजीत, बुच्ची रेड्डी सब घर में छुप जाते हैं। दरवाजा खोलने पर कहां ज़ोंबीज अटैक करेंगे, इसलिए सब चिंता करते हैं। ज़ोंबी में बदलने के बाद सामने वाले को काटकर खाने की जिद में रहते हैं। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, आप कहानी बताइए। ओके। ओ रमेश, वहां क्या कर रहा है? इधर आ। अरे क्या भाई, इस वक्त दरवाजा खोल रहे हो, बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, भूल गए? हमारा रमेश बाहर गया है, आने दो उसे पहले। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी बन गया वो। मार जा, मार जा, मार जा। ज़ॉम्बी आया भाई। छोड़, छोड़, छोड़। चैतू को बहुत खून बह रहा है, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। श्लोका का पता लगाइए, हम यहाँ से चलते हैं। उनसे बचने के लिए इस गांव के बाहर जाना होगा। गांव नहीं भाई, पहले इस घर से निकलने का सोचो। लेकिन जो भी जा रहा है ज़ॉम्बी बन जा रहा है। मौत आई है ये जानकर भी छुपना व्यर्थ है, कोशिश करेंगे तो बच सकते हैं। कार के पास पहुंच गए तो गांव के पार जा सकते हैं, कोशिश किया तो जान बच जाएगी। तो फिर सब जाने से अच्छा है मैं अकेले पीछे से जाकर गाड़ी को लेकर आता हूं। छोटे, मैं भी तेरे साथ आऊंगा, दोनों मिलकर गाड़ी लेके आएंगे। डरते क्यों हो भाई, मैं हूं ना। सिर्फ हम बचे हैं, यहाँ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। 5-10 मिनट में ये दरवाजा तोड़ देंगे, कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं यार?
ऐसे माधव रेड्डी पर वो ज़ॉम्बीज बेरहमी से अटैक करके मार देते हैं। ज़ॉम्बीज आ गए हैं यहाँ घर में। चैतू और सुजीत जैसे तैसे बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ सर? स्टोरी सुपर्ब है सर, एक्सलेंट कॉन्सेप्ट। भाई क्या हुआ भाई? परिवार खत्म हुए 10 दिन भी नहीं हुए। भाई की मौत 10 मिनट पहले हुई है। मैं तो उनकी चिता को आग भी नहीं दे सकता। हम किसके लिए जिए? जीने से डर लग रहा है मुझे। उनके हाथों बेरहमी से मरने से अच्छा है कि मैं खुद को यहीं खत्म कर दूं। भाई मेरी बात सुनिए भाई, हम सब मिलकर रहेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। चलिए भाई चलते हैं यहां से। कहां जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे? कहीं भी जाओ मौत तो आनी ही है, आज नहीं तो कल। हमें मरना ही है पक्का। मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं मरूंगा, तुम जाओ। जिन लोगों को डरा कर जीते थे, आज उन्हीं से डर कर जीना पड़ रहा है हमें। कोई है यहाँ पे? कोई है क्या यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? कोई है क्या यहाँ पे? तो पानी भी नहीं है। चल यार आगे चल के देखते हैं। घर में कोई है? मुझे लगता है कि कोई भी नहीं बचाया। चलो बेटा जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी। Ah!
उठो उठो जल्दी चल चैतू। चलिए आंटी आंटी चलिए आंटी चलिए जल्दी करिए आंटी चलिए आंटी चलिए ना क्या हुआ चैतू चलना यार जल्दी कर चैतू चलना यार क्या कर रहा है हे हमें बहुत दूर जाना है बस थोड़ा और सहन कर ले हम बहुत जाएंगे यार चलना यार चैतू चल हिम्मत कर यार हम बहुत जाएंगे हिम्मत कर मेरे यार चल चल आजा आजा अरे 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 रुकना रुक जा संभल के मेरी बॉडी में कुछ तो हो रहा है तू चला जा यार तू चला जा मैं तेरी बात सुन चल तू चल तू यहाँ से जा कम से कम तू तो बच जा यहाँ तू जा यहाँ से मत तू जा यहाँ से नहीं तू जा ना यहाँ से आओ आओ तुम लोग आओ मुझे लगता है यहाँ खाना नहीं मिलेगा चल आगे जाके ढूंढते हैं और थोड़ी दूर चलकर देखते हैं दूर आ गए यार हम मुझे नहीं लगता यहां मिलेगा दादू 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 छोड़ो मुझे दादा छोड़ो उसे दादू दादा मेरी बात सुनिए छोड़ो उसे दादू छोड़ दो छोड़ो दादू किशन उसे ठीक से पकड़ के रखना मैं कुछ ढूंढता हूँ उसे मारने के लिए रुक पकड़ के रखना नहीं नहीं छोड़ना मत नहीं नहीं सर को जोर से पकड़ के रख रुको नहीं 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 दादू 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 लगता है ये हैदराबाद वाला लग रहा है इसे देखते हैं ये इंसानी है या ज़ॉम्बी बन गया है हे हम कहाँ हैं और आप तुम कहाँ से आ रहे हो पुल्ले गिल्ला शहर से इधर किसके घर आए हो
पातुरी बुची रेड्डी के घर श्लोका नाम की लड़की को बचाने के लिए मैं और मेरे फ्रेंड्स आए थे। श्लोका, तुम श्लोका को कैसे जानते हो? आप भी उसे जानते हैं क्या? तुम श्लोका को कैसे जानते हो? श्लोका और मैं बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। मैं पूछ रहा हूँ, श्लोका को कब से जानते हो? उसका हॉस्टल हमारी कॉलोनी में है सर, और वहीं पे मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदल गया, प्यार शादी में नहीं बदला? नहीं सर, एक कमीना कुत्ता ने उस लड़के से शादी करने के लिए उसे किडनैप करके ले गया है सर। वो कोई तमन्ना और अनुष्का जैसी लड़की थोड़ी है कि तुम्हें उसे शादी करने के लिए किडनैप करना पड़े। उनसे भी बढ़के है सर, उस कमीने का तो। ज्यादा बोला तो इनकाउंटर करके फेंक दूंगा साले। जो गलत किया उसके बारे में तो बोल रहा हूँ सर। वो किडनैप नहीं था, शादी के मंडप से बचाकर हैदराबाद ले गया था। मतलब किडनैप आपने किया था? तेरी तो साले ज़ॉम्बी अटैक से बचाया था, किडनैप क्यों कर रहा है? सॉरी सर। पूछूं या नहीं? अभी अभी वो कैसी है सर? हाँ, वो कह रहे थे कि तुम नहीं मिले तो वो मर जाएगी, अगर सच में मर गई तो मैं फंस जाता, इसलिए उसे मैं सिटी में छोड़कर आया हूँ। मैंने बोला सिटी पहुँचते लेटर लिखकर बता देना। लेटर लिख कर दूं? लेकिन किस बारे में सर? हाँ, कि शादी करेंगे, ये काफी है, या लेटर भी लिख कर दूं? देखो, पुली जिला साधारण विलेज नहीं है, यहाँ बहुत परिवारों की मौत हुई है, गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा इशू है, इसलिए इस गांव की तरफ कोई भी आए उन्हें मारने के लिए ऑर्डर्स मिले हैं। इस गांव के बारे में तुमने बाहर बताया तो ज़ॉम्बी नहीं, गवर्नमेंट ही तुम्हें पहले मार देगी। पुली जिला नाम का गांव अभी नहीं है, लोग भी नहीं है। ये सब सोचता हूं तो अभी भी मुझे हैरानी होती है, आखिर उस गांव में कदम रखने वाले कोई भी जिंदा वापस क्यों नहीं आते हैं? लेकिन क्या आपको यहां कोई दिखाई दे रहा है? ये मेरे दोस्त सूर्य नारायण का बेटा है, इसकी पूरी फैमिली ज़ॉम्बीज के अटैक में मर गई, इनकी वजह से ही ये कहानी लिखी थी। व्हाट? ज़ॉम्बीज के अटैक में? मतलब ये कि सच में हुआ है? मतलब ज़ॉम्बी सच में है? हाँ है, उसका साक्षी यही है। ज़ॉम्बीज होते हैं, नरमांस खाते हैं, ये सिर्फ सुना ही था, मतलब वही ज़ॉम्बीज हैं। लेकिन क्या ये सच में हुआ है, एक पूरा का पूरा गांव ज़ॉम्बीज में बदल गया? यस। वो गांव यहाँ से कितनी दूर है? लगभग 40-45 किलोमीटर होगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है, गांव नहीं है, लोग नहीं है। चलिए वहाँ चलते हैं, बाकी स्टोरी कार में सुनूंगा। कम ऑन, चलिए चलते हैं। सर, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है वहाँ जाना ठीक नहीं है। ये कहानी सुनने में ही अगर इतनी थ्रिलिंग है तो वहाँ जाकर देखने में कितनी थ्रिलिंग होगी? वहाँ जाएंगे तो हम जिंदा नहीं लौटेंगे। सिर्फ वही क्यों, इंसान की गारंटी कहीं भी नहीं है। चलिए चलेंगे। ऐसे और 1 किलोमीटर चलेंगे तो हाईवे टच होगा, वहाँ से सीधा सिटी जा सकते हैं। हिलना मत, वहीं रुको। हम ज़ॉम्बीज नहीं है सर, हमें कुछ नहीं हुआ। 116, उन्हें चेक करो। हिलना मत, हिले तो मार दूंगा। तू रुक, तू वहीं रह। कपड़े उतारो। सर, इसे चोट लगी है सर। यहाँ। कहाँ से आ रहे हो तुम? ये चोट कैसे लगी? हम लोग भागते भागते गिर गए थे सर। सच बता, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा। अभी लगी है सर, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। यहाँ
116 वो कुल्हाड़ी ले। सर लेकर आ रहा हूँ सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर? उसका हाथ काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ काट देंगे सर। छोड़ दीजिए सर, सिटी जाने से पहले ज़ॉम्बी बन गया तो हम इन्हें मार देंगे सर। ए, इनको लेकर चलो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, चलो गाड़ी में बैठो। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद। तुम लोग भी श्लोका के लिए आए हो? क्यों बे, तुम्हें प्यार करना, जान खतरे में डालकर शादी करना, इसके सिवाय कोई और काम नहीं है? दोस्त के लिए तो इतना कर ही सकते हैं सर। वैसे आप कैसे जानते हैं कि श्लोका के लिए आए हैं? ए, तुम्हारे दोस्तों में ही एक एक को बचाना हमारा काम है। उस दिन सुजीत, कल चेतु, आज तुम, यही हमारा काम हो गया है। हाँ, गिरी, उठ, अरे यार। ए, इसमें ज़ॉम्बी वायरस है। क्या हुआ तुझे? कभी भी अटैक कर सकता है, चलो उठो। ये क्या कह रहे हैं सर? अभी तो चलता हुआ आया था। गिरी, मुझे भी लग रहा है ये ज़ॉम्बी बन चुका है। गिरी, उसका गला तो चेक कीजिए। अरे यार, गिरी। ए, गिरी, खून बह रहा है। उठो। रुकिए सर, प्लीज सर। ए, उठो नहीं तो मार दूंगा। सर, एक मिनट सर, रुकिए सर, एक मिनट सर। उठ, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। गिरी। सर, मेरी बात सुनिए सर, यहाँ से चलते हैं। आसपास देखिए सर, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। चलिए चलते हैं सर। सर गिरी, चलिए सर। गिरी उठो। विकी, विकी, गिरी उठो, ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। गिरी, 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 उठ, उठ गिरी, 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 गिरी। अरे यार, गिरी, गिरी, चलो विकी, विकी। बेकार में गोली चला के मार दिया। ए, गिरी, आज तक गिनूंगा, अगर नहीं उठे तो मार दूंगा। सर प्लीज सर, रुकिए सर। ए, गिरी, दो, गिरी, उठ जा गिरी, तीन, गिरी, चार, उठ, गिरी। में बचना है तो इनको मारना होगा। और कितनी दूर है? और 5-6 किलोमीटर है। इन सब के बावजूद गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया क्या? ये बात जनता से छुपाने में अभी भी हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है। उसके बाद क्या हुआ? सुजीत जैसे तैसे जंगल से बचकर रोड पर आकर जो हुआ वो पुलिस को बता देता है। उसने पुलिस को बताया वहां और भी दोस्त हैं। ओ, तो पुलिस उन्हें हम देख लेंगे ये कहकर सुजीत को शहर भेज देती है। काफी दूर आ गए हैं। गांव कहां होगा? यहां से और 2 किलोमीटर चलेंगे तो हम उस गांव तक पहुंच सकते हैं। Thank you.
वो आवाज सुनी? क्या था ये? हाँ सुनी मैंने, लगता है आसपास कुछ तो हो रहा है। हाँ? ज़ॉम्बीज़। ओ, ज़ॉम्बीज़, ज़ॉम्बीज़। चलो, 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 भागे।